टू पार्ट वन हम पढ़ चुके हैं, है ना, लेसन थ्री, जिसमें मर्चेंट ने स्टोरी सुनाई थी फार्मर को, ठीक है। और फार्मर ने कोई डाउट नहीं किया था मर्चेंट की स्टोरी में, है ना। अब यहाँ फार्मर की बारी आती है स्टोरी सुनाने की। अब देखते हैं कि मर्चेंट डाउट डाउट कर पाते हैं या नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए, तो अशोक बोलता है, रीडिंग हम इसकी कर चुके हैं, आज एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं, ओके। तो अशोक ने कहा कि मर्चेंट ने कोई पैसा नहीं कमाया फार्मर से, है ना, क्योंकि फार्मर ने डाउट ही नहीं किया उसकी स्टोरी पर। तो डेविड कहता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कुड ही, उसने कैसे पैसे नहीं कमाए, है ना। फार्मर ने कोई डाउट नहीं किया उसकी स्टोरी में, फार्मर तो बहुत क्लेवर था। तो अशोक कहता है कि मर्चेंट भी क्लेवर है, सॉरी, इफ द मर्चेंट इज क्लेवर, अशोक कहता है कि यदि मर्चेंट क्लेवर होता, है ना, तो मर्चेंट क्लेवर यदि है तो वो फार्मर की स्टोरी पर डाउट नहीं करेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी के एंड में क्या होता है ना। तो रवि कहता है कि नहीं, फार्मर जो है मर्चेंट को पे नहीं करेगा पैसे, है ना, बल्कि मर्चेंट मजबूर हो जाएगा फार्मर को पैसे देने के लिए। कोई एक दूसरे की स्टोरी पे डाउट नहीं कर रहा है ना। मर्चेंट, फार्मर ने तो नहीं किया इस मर्चेंट की स्टोरी पे डाउट, ना ही मर्चेंट डाउट करेगा फार्मर की स्टोरी पर, लेकिन फार्मर जो है वो मर्चेंट को पैसे देने पर मजबूर कर देगा कि वो मुझे पैसे दे, है ना, फार्मर को पैसे दे। तो डेविड कहता है कि क्या मर्चेंट फार्मर की स्टोरी पर डाउट करेगा, रवि कहता है नहीं। तो डेविड कहता है, तो फिर कैसे मर्चेंट फार्मर को पैसे देगा, है ना। तो रवि कहता है, मुझसे मत पूछो, तुम आगे की स्टोरी सुनो। तो फार्मर की स्टोरी सुनो, कहता है, थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। फार्मर कहता है कि इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, लेकिन मेरी स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल है, क्या मैं शुरू करूं। मर्चेंट कहता है, हाँ प्लीज शुरू करो। तो फार्मर जो था वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि मेरे फादर एक फार्मर थे, है ना, और उनके पास एक बहुत अच्छा हॉर्स था, ठीक है, और एक फाइन सैडल भी था। सैडल मतलब जो ऊपर की गद्दी होती है ना, वो जो पैर रखकर और ऊपर चढ़ने वाला जो सैडल, वो ऊपर की गद्दी जो कहलाती है, ओके, लेदर की बनी हुई गद्दी, है ना, लेदर सीट कहा जाए एक प्रकार से। तो वो बहुत अच्छा सैडल था उनके पास। तो हर संडे वो हॉर्स, अपने हॉर्स को मार्केट और नेबरिंग विलेज में ले जाया करते थे, है ना, साथ में लेकर जाते थे। तो लोग जो थे वो उस हॉर्स की इच्छा करते थे, उस हॉर्स के ऊपर जो सैडल रखा हुआ था उसको यूज करने की चाहत रखते थे वो, ठीक है, और कहते थे कि कितना सुंदर हॉर्स है, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल, है ना, कितना अच्छा है। तो मर्चेंट पूछता है कि क्या वो बहुत बड़ा था, वॉज इट वेरी बिग। तो फार्मर कहता है कि हाँ, जितनी तुम्हारी हथेली है ना, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, तुम्हारे हाथ की हथेली के जितना बड़ा, ठीक है। तो अब सोचे, हाथ की हथेली जितना बड़ा हॉर्स या सैडल, है ना। तो सॉरी, मैं एक लाइन यहाँ मिस कर गई, ये वाली लाइन बताना भूल गई मैं आपको। एक संडे मेरे फादर जो थे, फार्मर सुना रहे हैं, है ना, स्टोरी कि एक संडे मेरे फादर ने सैडल रखा हॉर्स के ऊपर और उसके बाद मार्केट की तरफ चल दिए, है ना, दौड़ लगा दी। जब वो वापस घर लौटे तो उनने देखा कि हॉर्स के बैक में एक सोर, मींस होता है घाव, है ना, घाव लग गया था, ठीक है, और वो बहुत पेनफुल था। तो मर्चेंट पूछता है कि ये क्या, ये घाव बहुत बड़ा था, है ना। तो फार्मर कहता है, हाँ बहुत बड़ा था, जितनी तुम्हारी हथेली है, ठीक है, पाम मींस होता है हथेली, इतना बड़ा है। तो पूछता है, फिर से मर्चेंट क्वेश्चन करता है कि डू यू नो हाउ इट गॉट द सोर, ये जो शोर था, ये जो घाव था, वो घोड़े को कैसे लगा।
ये फार्मर ने पूछा तो मर्चेंट कहता है मुझे कैसे पता। बहुत चालाकी से उसने बोला मुझे कैसे पता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो घाव था वो मेरी हथेली, मेरे हाथ की हथेली की जितना बड़ा था, है ना, कितना मतलब पुअर एनिमल, कितना पेन हो रहा होगा उसको, है ना। तो कहता है नहीं, उसे कोई पेन नहीं हो रहा था, वो तुम्हारे हाथ की हथेली के बराबर तो था, है ना। लेकिन मेरे फादर जो थे वो नहीं जानते थे कि सैडल की वजह से उसको, सैडल की वजह से उसको घाव हो गया है ना। तो ये जून का महीना था, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी, बवंडर जो चलते हैं ना स्टॉर्म, ठीक है, जो चलते रहते हैं वो चल रहे थे। तो बेचारा जो हॉर्स था, बहुत सारी डस्ट उसके शॉर, है ना, उसके घाव पर इकट्ठी हो गई, और उस घाव के ऊपर कुछ वीट के ग्रेन्स, मतलब वीट जो था वो भी गिर गया। अब अनाज तो लाया ले जाता जा ले ले जाया जाता था घोड़े के ऊपर से, है ना। तो उसमें वो बीज गिर गए गेहूं के। उसके बाद बारिश होने लगी, गर्मी के बाद बारिश आ गई, है ना। तो वो जो ग्रेन थे वो स्प्राउट मीन्स अंकुरित होने लगी। तो मर्चेंट कहता है व्हाट अ वंडर, आश्चर्यचकित, है ना। लेकिन वो क्विकली ऐड करता है कि हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मर्चेंट को डाउट नहीं करना था ना, अगर डाउट करता तो पैसे देने पड़ते, ठीक है। तो ग्रेन जो थे वीट के वो स्प्राउट होने लगे, है ना। तो वो एक चांस देना चाह रहा था फार्मर कि ये सब करे। उसके बाद क्या था, फार्मर फिर स्टार्ट करता है कि हाँ ये स्प्राउट होने लगे और उसके बाद वो बढ़ने लगे, उसके बाद बहुत अच्छी फसल हो गई। मेरे फादर को 20 मैन, मतलब 20 लोग हायर करने पड़े इसकी कटाई के लिए, है ना। और जब मेरी बारी आई तो मुझे तो 40 मैन्स हायर करने पड़ते थे हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए मुझे इतने लोग हायर करने पड़े। तो मर्चेंट भी बोलता है वहां पर तो क्रॉप तो बहुत अच्छी हुई होगी, है ना, जब इतने सारे लोगों को हायर करना पड़ा कटाई के लिए, रीप करने के लिए, है ना। तो फादर कहता है, वो फादर सॉरी फार्मर कहता है हाँ क्रॉप तो बहुत अच्छी हुई थी, हम लोगों ने 40,000 किलो व्हीट, 40,000 किलो व्हीट हॉर्स के बैक से हार्वेस्ट किया था, कटाई किया था, है ना। सो हाउ लकी योर फादर वाज, मर्चेंट कहता है कि तुम्हारा फादर जो है वो कितना लकी है। तो फार्मर कहता है कि हाँ बहुत लकी थे, लेकिन तुम्हारे फादर, तुम जानते हो तुम्हारे जो फादर थे वो उस समय बहुत पुअर थे, है ना। मर्चेंट को कहता है ना फार्मर कि तुम्हारे जो पापा थे, फादर थे, वो बहुत पुअर थे, और उन दिनों में उनके यहाँ खाने पीने को भी चीजें नहीं होती थी, अकाल पड़ा था एक प्रकार से। तो वो मेरे फादर के पास आए और उनसे 75 किलो व्हीट मांगा, बैग्ड मीन्स भीख में मांगना एक प्रकार से, तो उनने मांगा। तो मर्चेंट जो था वो बहुत गुस्से में आ गया कि उसके फादर जो हैं वो कभी भी मतलब भूखे नहीं मर सकते, लेकिन उसने डाउट नहीं किया स्टोरी में। तो उसने अपनी जीभ को आराम दे दिया, उस समय रोक लिया। तो माय फादर कंटिन्यू, फार्मर कंटिन्यू करता है कि मेरे पिताजी वो एक बहुत दयालु, काइंड और गुड नेबर, अच्छे पड़ोसी थे। तो उनने जब देखा कि तुम्हारे फादर के यहाँ खाने को भी चीजें नहीं है, तो उन्होंने उन्हें 75 किलो व्हीट दे दिए, 75 किलो गेहूं दे दिया। तो तुम्हारे फादर ने उस समय मेरे फादर से ये उधार लिया था, है ना। तो कई बार तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कोई नियम भी बने। तो मर्चेंट जो था वो अपने थंब को काउंट तक काउंट डाउन करने लगा, काउंट करने लगा, है ना, कि ऐसा नियम होना चाहिए था कि जो चीजें पहले ली गई थी तो वो वापस मिल जाती, वो ऐसा फार्मर ने कहा। तो यहाँ पर जो मर्चेंट था वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलेटिंग। तो फार्मर पूछता है कि तुम्हारी फिंगर्स को क्यों चला रहे हो, है ना, क्या तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। तो मर्चेंट कहता है यस आई एम, देन ही सेड टू हिमसेल्फ, उसके बाद वो खुद से कहता है कि वीट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए से तो कम होगा। मर्चेंट अपने मन में सोच रहा है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसे
उस वीट का प्राइस दे दूं। वो मुड़ा फार्मर की तरफ और उसके बाद उसे 75 रुपए दे दिए, है ना। बोलता है कि ये लो जो मेरे फादर ने तुम्हारे फादर से 75 रुपीज, 75 किलो वीट लिया था उसकी 75 रुपीज। तो फार्मर थैंक यू बोल दिया, है ना। और उसके बाद बोलता है फार्मर कि तुम बहुत प्यार हो, बहुत ऑनेस्ट हो, और मुझे तुम्हारा बार्गेन जो था वो बहुत पसंद आया। तो रवि कहता है एंड नाउ डेविड इजंट द वीट चीपर। तो डेविड कहता है यस आई डोंट वांट टू कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री द वीट इज चीपर, है ना, जो गेहूं था वो चीपर था, ठीक है। रवि यहाँ पर कहता है कि डेविड इजंट द वीट चीपर, डेविड जो है वो वीट चीपर नहीं है, है ना। तो डेविड कहता है हाँ मुझे तुम्हारी स्टोरी पर डाउट नहीं करना चाहिए था, ठीक है, नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं एग्री हूँ कि जो वीट है वो चीपर है। ओके सो टुमारो वी विल डू आंसर्स ऑफ दिस लेसन।